तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है कि 5 दिसंबर 2020, 5 दिसंबर 2021 का ये प्रश्न पत्र है। मैंने आप लोगों से पहले भी बता रखा है, 2019, 2020, 2021, 2022, इन चारों वर्ष का पेपर आप अच्छे से देख कर जाइएगा। इनके जितने भी ऑप्शन हैं उनकी भी व्याख्या आपको समझ में आनी चाहिए। आप आसानी से 80% तक आप आसानी से यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं इन 4 वर्षों से, जब इनके ऑप्शनों को सही तरीके से आप समझ पाएंगे तब। और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। पार्ट 3 है ये आपके लिए। प्रश्न आपका शुरुआत हो रहा है इरिक्शन से। अच्छा, मैंने ये प्रश्न करवा दिया, चलो एक बार आप लोग बता दीजिए कि इरिक्शन ने अहम मनोविज्ञान पर आधारित समूह कार्य का प्रारूप क्या होगा? हाँ, डेवलपमेंटल मॉडल कहलाता है, बेसिकली विकासात्मक मॉडल इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यही करेक्ट जवाब होगा। रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो स्वार्ट्ज का नाम आता है सन 1961 पे। और रेडिकल सोशल वर्क की बात अगर हम लोग करते हैं, इसको बेसिकली आरडी विंटर का नाम आता है। और जब हम बात करते हैं सामाजिक लक्ष्य का, तो पापेल एंड रॉथमैन का नाम आता है। तो ये है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं इन प्रश्नों पर भी आप लोगों से थोड़ा बहुत व्याख्या भी करना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। जरा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में आयोजित पर्यावरण संबंधित निर्गमों पर पहला मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो नीचे गिवन आंसर है इनको आप सही नहीं मानेंगे, है ना जी? ओके, स्टॉकहोम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपना जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आपको मैं एक तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कुछ सम्मेलन हुए हैं, अब उन सम्मेलन के बारे में बात करूँगा भी। ये आपको पढ़ के जाना है यहाँ से इस टॉपिक में। और उसके बाद पर्यावरण के कुछ आंदोलन हैं, उनको पढ़ के जाना है यहाँ पर आप लोगों को, पर्यावरण के आंदोलन के बारे में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, उन दिवस को आप लोगों को ध्यान में रख के जाना है। प्राकृतिक आपदा के बारे में थोड़ा सा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, स्टॉकहोम सम्मेलन ऑप्शन आप लोगों ने सही दिया है मुझे यहाँ पे, डी वाला, बहुत बढ़िया आपने दिया है ऑप्शन, करेक्ट जवाब है ये। वर्ष 1972 में, 1972 में बेसिकली इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। और ये बात आप सबको पता भी होगा। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की जब बात होती है तो यू जो है स्थापना की बात होती है तो ये 1972 का ही नाम आता है, 1972 का ही नाम आता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो आपके प्रश्न में बताया जा रहा है 1972, ठीक है, याद रखेंगे। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का जो संकल्प पारित हुआ था इसी में किया गया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कहाँ था? स्वीडन में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या था इसका? सभी के लिए एक ही पृथ्वी। इसका अगर हम बात करें मुख्यालय के लेकर, तो केन्या नैरोबी में है। तो इतनी बातें तो आपको पता थी पहले से भी और आप जानते भी थे, ठीक है। और इसको आप लोग ध्यान भी रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि विश्व पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम में जो है कब मनाया गया था, तो आपको बता दूं उसके बाद 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 1973 में, हाँ, प्रथम बार सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों के द्वारा मनाया गया था। हाँ, प्रथम राष्ट्र सदस्य, जो सदस्य राष्ट्र होंगे, जो इसके जो जो देश थे उसके राष्ट्र, मतलब जो उनके साथ संधि के रूप में थे, जो हाँ, जो जुड़े हुए थे, जो सदस्य थे, उन्होंने 1973 में मनाया था। और जो पहली बार मनाया गया था, जो सदस्य राष्ट्र नहीं थे, वो वर्ष था 1974, सदस्य वाला 1973, पांच जून को ही मनाया गया था। मैम, करेक्ट जवाब था, 5 जून से लेकर 16 जून के बीच में यह जो है चलाया गया था ये सम्मेलन। और 5 जून को ही फिर उसके बाद रख दिया गया कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, है ना।
2000 अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, 20 में बेसिकली मेजबानी विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कोलंबिया में हुआ था। टैगलाइन था प्रकृति के लिए समय, और जो थीम रखी गई थी जैव विविधता, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है कौन बच्चा बताएगा मुझे? जैव विविधता दिवस सर 22 सितंबर। 22 सितंबर नहीं होता है, 22 मई होता है, 22 मई होता है, इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं, एक आता है वियना सम्मेलन, मैं एक एक लाइन बताऊंगा। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 1985 में हुआ था। 1985 में क्या बात हुई थी? ओजोन परत के संरक्षण की प्रतिबद्धता को लेकर बात हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक जो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन था, कनाडा में हुआ था, है ना। और ये जो कनाडा में हुआ था वो हुआ था 1987 में हुआ था, और एक 1987 में मनाया गया था। हाँ ठीक, याद रखेंगे। हालांकि अगर हम बात करें आप लोगों से ओजोन परत को लेकर, ओजोन परत का संरक्षण का जो पहला सम्मेलन था वो वियना वाला था, वो वियना वाला था। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे तो वो कौन सा था? मॉन्ट्रियल वाला सम्मेलन था ओजोन परत पे। हाँ, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। आप सर, ये इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आते हैं। हाँ, तो पर्यावरण वाली हमारे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बोनस के रूप में रख लो ना, फिर क्या दिक्कत है ना। चलो एक बात और, ये सोशल वर्क का भी पार्ट है, मैं फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोशल वर्क ही पढ़ा रहा हूँ, ये सोशल वर्क का भी पार्ट है। यूनिट नंबर 9 और 10 देखेंगे तो आप उसमें मिलेगा ये सारा। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो वायुमंडल की जो है 5 परतें हैं ये आप भली भांति तरीके से जानते हैं। क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल आता है, समताप मंडल में ही ओजोन परत देखने को हमें मिलता है, है ना, समताप मंडल में ही। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा कि 1988 में, मैं तो वियना सम्मेलन जो था 1988 में यह लागू हुआ था, और लागू क्या हुआ था कि सभी गैसों को जो है वैकल्पिक स्रोतों के रूप में खोजने के परिप्रेक्ष्य में लागू हुआ था। और 1987 में जो आयोजन आया है वो मॉन्ट्रियल आया है, इसे ही प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, मॉन्ट्रियल को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा बस इसके संबंध में। हालांकि उसके बाद आपका रियो सम्मेलन आया ब्राज़ील में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 1992 में हुआ था, और ये बेसिकली सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया था। यही एक और नाम आता है, फुल फॉर्म UNFCCC करके आता है, ये काफ़ी बार सोशल वर्क में पूछा गया चुका है। हाँ, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसी की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो ये बात आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सम्मेलन आया। अच्छा, न्यूयॉर्क सम्मेलन जब आया तो उसमें 1997 में था, ये भी एजेंडा 21 को लागू करने के संबंध में कार्यक्रम को बताया था। फिर प्रोटोकॉल रियो +5 आया, पृथ्वी +5 सम्मेलन आया, मतलब आप उनको जोड़ते जाओ, है ना। जैसे मैं 92 में 5 जोड़ूंगा तो 97 हो जाएगा, 10 जोड़ूंगा तो 92 में आपका 2002 हो जाएगा। तो 2002 वाला ज़्यादा पूछा जाता है, जोहान्सबर्ग वाला रियो +10 सम्मेलन पृथ्वी। अच्छा, जब भी आप जोड़ें ना तो 92 से ही जोड़ें, ये भी ध्यान रखें। पता चले कि आप 10 जोड़ना है तो भाई क्योटो प्रोटोकॉल वाले से जोड़ दिया, 97 से जोड़, ऐसे थोड़ी होता है कोई काम। जब से बनाया जाता तब से जोड़ा जाता है, चाहे आप 10 अगर जोड़ूंगा तब भी वहीं से बोलूंगा, 20 बोलूंगा तब भी मैं 1992 से ही बोलूंगा, 5 बोलूंगा तब भी मैं 1992 से ही प्लस करूंगा, है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान है, बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हम भाई +5 कहाँ से करें और +10 कहाँ से करें, ये इस बात को आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, है ना। और बाकी पर्यावरण संरक्षण एक अधिनियम आया जो 1986 में लागू हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिए, 2 से 3 दिसंबर 1984 की बात, एमपी भोपाल की बात मैं कर रहा हूँ, कौन सी गैस थी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा जो मैंने यहाँ पे बताया है अभी, ये UNFCCC के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1994 को, 94 को, 21 मार्च 1994 में। आपको एक नाम सुना होगा COP के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 1995 में यह आयोजन हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। और ये पता किस लिए था? ये
ये आपका जो था जलवायु परिवर्तन को लेकर, विषय इसके जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, और एजेंडा 21 की जो योजनाएं थी उसको इस योजना में शामिल किया गया था, कोप में, कोप इसको बोलते हैं। अच्छा, एक कोप सम्मेलन कब हुआ था सर ये? जो कोप, देखो कोप तो कई आए, जो सबसे पहली बार हुआ था 1995 में हुआ था जर्मनी में, जर्मनी में। जर्मनी में ये पहला है ना सर? हाँ, पहला, ये पहला है, ये पहला है कोप। तो कोप बेसिकली 20 की बात करता हूँ, अगर मैं सब देखो, एक कोप 18 है, कोप 18 जानते हैं कि, एक बार म्यूट हो जाइए मैम, दोहा सम्मेलन से रिप्रेजेंट करता है ना। कोप 18 किसको रिप्रेजेंट करता है? दोहा को, दोहा सम्मेलन, और ये 2012 कतर में था है ना। और फिर कोप 20 है पीरू का, लीमा सम्मेलन होता है वो, लीमा सम्मेलन है ना। 20 है पीरू में, 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त कर देना है, लीमा में कहा गया ये 2070 तक। लीमा कब हुए सर? लीमा 2014 में आया था मैम ये, और वर्ष 2070 अभी जी 21 फेब को जो अभी एग्जाम हुआ है ना, उसमें फर्स्ट पेपर में कोप 27 पूछा गया था। कोप 27 पूछा गया था। ओके चलो अभी बता देते हैं वो भी यहाँ पे, आप भी पहले 20 को ध्यान में रखिए, पेरू में हुआ था ठीक है। उसके बाद आपका एक हुआ पेरिस सम्मेलन, और उस जो पेरिस सम्मेलन में हुआ वो कोप 21 आया। क्या आया था वो? 21 आया था हाँ। और जो कोप 21 था, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो ये आया था फ्रांस में 2015 में, 2015 में आया था। और ये कहाँ पे आया था? फ्रांस में। पता क्या था ये? ये था कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के परिप्रेक्ष्य में था, ये उसके परिप्रेक्ष्य में था। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक कोप आया आपका 22, और जो 22 कोप आया था ये आया था 2016 में, 2016 में। और ये पता किस लिए था? ये था जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को सामना करने के लिए था, ग्रीन हरित जो गैसेस थी उसकी उत्सर्जन की कमी पर बल देता था ये 22 वाला। और ये मराकस मरक्को का था, मराकस मोरक्को का था 22 वाला। और 23 एक आया कोप 23, 23 2017 में आया था ये बॉन जर्मनी में, और ये एनजीओ के पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के मुद्दों पर सहमति को दर्शाया था 23 वाला। 24 वाला अगर हम बात करें, 24 वाला जो था वो कोटावाइस जो है पोलैंड का था, 2018 में आया। तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो थे उसके संबंध में एग्रीमेंट को लागू करने की सहमति दिया था, क्योटो सर ये हर प्रोटोकॉल। साल होता है क्या? हाँ हर साल होता है ये ठीक है। यहाँ पहली आप बार किसकी सर? किसका लास्ट वाला लास्ट क्या था? कोप 24। 24, 24 मैम जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था, उसके एग्रीमेंट्स को लागू करता था। ये था कोटावाइस जो है पोलैंड में हुआ था 24 वाला है ना। अच्छा, आप 27 को भी ध्यान रख लो। 27 इन्होंने कहा, 27 जो है वो बेसिकली आपको मैं बता दूं, आपने नाम अभी पढ़ा है UNFCCC वाला ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो फ्रेमवर्क अभिशमन था वो कोप 27 का था। अब ये जो कोप 27 था ये 7 से 18 नवंबर 2022 में हुआ था, इसी के मध्य में हुआ था। और यह बेसिकली मिस्र के एक व्यक्ति था, उसका नाम था शर्म अल शेख, इसके संपन्न में हुआ था। और ये जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानता था, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ जो क्षति हो रही थी उसके समाधान के लिए आमतौर पे जो एजेंडा शामिल किया गया था वो कोप 27 में शामिल किया गया था, कोप 27 में शामिल किया गया था। तो सर बेसिकली ये जलवायु से संबंधित है ना बिल्कुल, कोप्सन? सारा जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में रखा गया है। मतलब हर हाँ साल इसका मुद्दा अलग हो जाता है पर हाँ जलवायु से रिलेटेड होता है। जलवायु से रिलेटेड होता है। तो 27 मुख्य रूप से अगर आपसे बात करेगा तो कहेगा कि जलवायु प्रौद्योगिकी संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था कोप 27 में, कोप 27 में। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 में प्रतिनिधित्व में अगर बात करें तो पेरिस समझौते के तहत हुआ था, पेरिस। और यहां पे नाम एक विद्वान का था शर्म अल शेख का, वो भी इंपॉर्टेंट है, शर्म अल शेख है ना। और जो कोप 26 था वो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो है पंचामित्र घटक से रिलेटेड था वो, जो कि जलवायु के रिलेट करता था वहां पे।
COP26 का, और जो COP25 था वो स्पेन का था, जलवायु परिवर्तन के औद्योगिक घेराव की नीति निर्माण से संबंधित था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी किसी ने बताया है मुझसे कि इससे प्रश्न पूछे गए थे, हो सकता है आपको जितने मैंने कोप लिखवाए हैं कोई सा एक आध आप लोगों के पेपर में देखने को मिल सकता है ना। तो याद रखेंगे जी। हाँ मिल जाएगी, चलिए ठीक है, मैं आपको एक पेज में उसको जो है बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि लॉस एंजलिस सम्मेलन के बारे में। ये जो एंजलिस कॉन्फ्रेंस है वो 1971 में हुआ था, चार्ल्स लैकमैन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये। और जो न्यूयॉर्क शिखर वार्ता है ये पहला समझौता था 1994 में अमेरिका में किया गया था, है ना। और रियो सम्मेलन के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना, कि रियो सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन ब्राजील पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, 1992 में हुआ था, सतत विकास के एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था, और जहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना के रूप में भूमिका भी देखने को मिली थी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ष गांठ मनाया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ वर्ष गांठ पृथ्वी सम्मेलन का, तो वो 1992 मनाया जाता है, 1992 मनाया जाता है। अच्छा पता है एजेंडा 21 का मतलब यह है कि 21वीं सदी में जीवन जीने के लिए नियम और मानदंड क्या होंगे, सभी को हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया था, जहाँ पे रूल रेगुलेशन की बात किया गया था एजेंडा 21 में। तो बेसिकली 21वीं सेंचुरी की बात करता है ये, बस इतनी बात ध्यान रखिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था ये जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे जिक्र किया है। चलिए आगे बात करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? वर्ष दे दिया, 2005, 2007, 2013, 2015। आपको ये आंसर नहीं देखना है, ठीक है, आपको बताना है, बताओ, वो गलत आंसर है। 11 था, 11 अच्छा, और 15 था। 2013 में अगर हम बात करें आप लोगों से, 2013 में तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बारे में बात हुई है, और सही जवाब आपका यही है। हाँ, 2013 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, है ना, ये जिक्र आप लोगों को देखने को हमें मिलता है, और यही ऑप्शन हम लोगों का फिर सही भी जाता है ना। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार के द्वारा जो है इसमें इंक्लूड किया गया है वर्ष 2013 को। ठीक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो 2011 में होगा ना? मैम 2011 यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन में भी नहीं है, और ना ही हमसे प्रश्न राष्ट्रीय ग्रामीण से रिलेट करा हुआ पूछा गया है ना। तो मैं आप सबसे कहूँ, हाँ हाँ तो यहाँ पे जो जाएगा आपका सही जवाब जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड को ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, जहाँ पे एक राजपत्र की अधिसूचना के बारे में जिक्र किया गया था, वो 7 अगस्त 2014 था, 7 अगस्त जो 2014 था। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप अनुसंधान शब्द को ध्यान रखेंगे तब जाके आप लगाइएगा 2014 को, अदरवाइज मत लगाइएगा 2014। जब अनुसंधान ऑप्शन में लिखा रहेगा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इस तरीके के शब्द, और रिलेट कर रहा हो आपका अनुसंधान, बस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देखिए मैं थर्ड को लगा देता हूँ, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आपके सामने है, और प्रश्न कह रहा है कि समाज कार्य व्यवसाय के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखो कई बार आप लोगों से करवाया भी है कि आप उस तरीके से चुनाव करें। ए तो आपका पता है कि ये दान आता है पहले, आप जानते हैं। फिर उसके बाद कल्याण, फिर उसके बाद ए और डी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। ए डी बी सी जहाँ पे हमें दिखता है वही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्या हुआ, ए बी सी डी आ रहा है, ए डी बी सी, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, बी वाला मैच हो रहा है, बी वाला मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन, हाँ यही सही जवाब होगा। देखिए निम्नलिखित में, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, तीनों तीनों है,
और ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर ए बी सी जो थर्ड है, करेक्ट? क्वेश्चन लिखते रहिएगा, कितने क्वेश्चन पे गए बताइए राकेश जी? 49 हो गया, 50 पे हम ओके 50 क्वेश्चन पे आ गए, ठीक ओके। सामूहिक कार्य हस्तक्षेप रणनीति के मामले में सामाजिक समूह कार्यकर्ता अपने सेवार्थी की यह सीखने की क्षमता या सीखने की सहायता या सीखने में सहायता करता है कि वे डैश के माध्यम से स्वयं को परिपक्व कैसे कर सके, कैसे कर सके? तो बताइए, एक व्यवहार मॉडल है, एक सुविधात्मक हस्तक्षेप है, और एक गेस्टाल्ट थेरेपी है, और एक और ऑप्शन आ गया है समव्यवहार विश्लेषण। मैं आपसे कहूंगा सभी लोगों से कि ओके देखिए, ओके आप देखिए, आप प्रश्न को समझिए, ओके एक मिनट, अब आप सभी लोग समझिएगा थोड़ा सा। सामूहिक कार्य हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है एक प्रकार से इंटरवेंशन, एक प्रकार से ट्रीटमेंट। रणनीति के मामले में सामूहिक सामाजिक समूह कार्यकर्ता यानी आप लोग, अब यहीं पर मैं कहता हूं कि आप अपने लोग अपने आप को रख लो, जब अपने आप को यहां प्रश्नों पर रख लेते हैं और जब प्रश्न पढ़ते हैं तो ईजी हो जाता है। तो एक सामूहिक कार्यकर्ता यानी मैं अपने सेवार्थियों को यह सीखने में सहायता करता हूँ कि वह स्वयं में परिपक्व हो जाए, और वो कैसे कर सकता है? क्या मैं व्यवहार मॉडल को लगाऊं? देखो व्यवहार मॉडल बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बिहेवियर बीएफ स्किनर का है, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करता है, ना कि उसको इंडिपेंडेंट बनाने की बात करता है। और ये बात आप जानते हैं, सन 1913 में ये बात कही गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। प्रश्न केवल इतना है कि इस मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं, सेवार्थी को सिखा रहा हूं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ सुविधात्मक हस्तक्षेप के बारे में, फैसिलिटी एक इंटरवेंशन हो, ये एक प्रकार का है, ये हस्तक्षेप है, जहाँ पे ब्रास्टाम का नाम आता है, ब्रास्टाम या आप क्वालंसन कह सकते हैं, आप क्वालंसन एक नाम आता है, और एक नाम जो आता है मैं लिख रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, ब्रास्टाम का नाम आता है। इन्होंने बेसिकली सन 1993 में फैसिलिटी जो है इन्होंने बात किया था सुविधात्मक हस्तक्षेप के बारे में। तो ये बेसिकली अगर मैं उसको सुविधा दूंगा तो वो थोड़ी ना बन पाएगा। सुविधा का मतलब ये हुआ एक प्रकार से कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें कि वो जो काम में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही तो वो काम कंप्लीट हो जाए, डन हो जाए, है ना। मैं एक प्रकार से सुविधा ऐसी, अब सुविधाएँ जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर उसे संसाधन की कमी पड़ रही तो हमने सुविधा दे दिया भाई, उसको कहीं दिक्कत हो रही थी वहाँ पे लिखने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने सुविधा उसको प्रोवाइड, मतलब एक इस तरीके की बात करता है यहाँ पे। तो ये भी एक प्रकार टेक्निक तो है, परंतु ये नहीं कहता कि स्वतंत्र हो जाएगा वो, ये नहीं है। लेकिन गेस्टाल्ट एक ऐसी थेरेपी है जो समग्रता की बात करता है, और नाम से ही पता चल जाता है हमें, नाम से ही गेस्टाल्ट का समग्रता का मतलब सर्वांगीण विकास की बात करता है, और सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य बनता है वो सभी के लिए होता है, और कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर की बात करता है, स्वावलंबी जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, परिपक्व जैसी बातों करता है। तो मैं आपसे बात करूंगा ऑप्शन नंबर जो सी जाएगा ये करेक्ट होगा। फिट्स पल्स का नाम आता है, लिपस्टिक लोरा का नाम आता है, और अगर हम बात करें एक पॉल गुडमैन है, जो पॉल गुडमैन है सन 1951 में बात किया था, बट लोरा और पल्स महोदय ने 1951 में भी इनके बारे में देखने को मिलता है, कहीं कहीं 1950 भी देखने को मिल जाता है, है ना। तो ये गेस्टाल्ट थेरेपी में आता है, यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। परंतु जो ऑप्शन फोर है समव्यवहार का, जिसको हम ट्रांस एक्शनल एनालिसिस कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हिंदी में लेन देन का सिद्धांत बोला जाता है, और यह सिद्धांत अगर हम बात करें एरिक बर्न का है, सन 1950 में आया था, एरिक बर्न का है 1950 में आया था। सोशल प्रॉब्लम एज एक्सचेंज की बात जब हमें देखने को मिलता है तो जॉर्ज होमस का नाम आता है इसी में, जॉर्ज होमस का नाम 1958 में आता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा इनका, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लो कॉपी पर, सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज जो थ्योरी है वह 1958 की है, जॉर्ज होमस की है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है ना, फैक्ट है, मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में,
और क्वेश्चन हमारे सामने है कि बच्चे एक प्रक्रिया के माध्यम से नए शब्दों को जोड़ना सीखते हैं जो कहलाती है विस्तार, तीव्र चित्रण, प्रेरणा और नव चित्रण। बताइए क्या होगा? ओके, यहाँ आपने जो मुझे जवाब दिया है तीव्र चित्रण, नव चित्रण गलत है। आपने जो बच्चे की एक प्रक्रिया के माध्यम से नए शब्दों को जोड़ना सीखता है बच्चा ना, फास्ट मैपिंग, तीव्र चित्रण। अब देखिए मैं आपको यहाँ आप लोगों को बता दूँ, पीआरए हो या आरआरए की बात होती है, बच्चे की एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जहाँ नए शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है। क्या कहा जाता है? नए शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है, वह बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? फास्ट मैपिंग कहलाती है इन साइकोलॉजी में, फास्ट मैपिंग कहलाती है साइकोलॉजी में। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में तेजी से मानचित्रण शब्द का प्रयोग परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अच्छा, ये पता किस लिए होता है? ये होता है नई अवधारणाओं को केवल सूचना की एक इकाई में न्यूनतम जोखिम के आधार पर सिखाना, फास्ट मैपिंग। वहाँ हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है फास्ट मैपिंग में, है ना। मानसिक संज्ञानात्मक वाला जो बोला था वो रिपीट करना, क्या था इसका? बेसिकली क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मानचित्रण शब्द का प्रयोग करके परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया के लिए किया जाता है, ये है ना, उसके लिए ये किया जाता है। तेज मैपिंग कहा जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का नाम भी इसको दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक नाम आता है बार्टलेट का, कैरी एंड बार्टलेट, है ना। फास्ट मैप जो है शोध के लिए या पता चला था पहली बार शब्द के अधीन होने के बाद बच्चे एक नए सीखे गए शब्द का पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और यह कॉन्सेप्ट 1978 में पहली बार अगर किसी ने दिया तो वो था नाम, हाँ, बार्टलेट और कैरी, 1978 ठीक है, यही नाम आपका करेक्ट रहेगा मैपिंग शब्द का। वो दोबारा रिपीट कर दीजिए, बच्चे सीखने वाले करते हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पे फास्ट मैपिंग के माध्यम से, ठीक है, इसको सीखने में, मानसिक प्रक्रिया के शब्दों को सीखने में, परिकल्पना करने में एक नई अवधारणा का पता लगता है। तो इसलिए इसका पहली बार जो ये शब्दों का पता लगाया गया था, बच्चे एक नए सीखे गए शब्द को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और ये बात बार्टलेट और ब्लूम के द्वारा 1997 में यही बात को 1997 में, और कैरी और बार्टलेट की बात करेंगे तो 1978 में पहली बार यही किया है। फर्स्ट मैपिंग शब्द को 1978 में सुसान कैरी और एल्सा बार्टलेट ने गढ़ा है या दिया है, बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? बताओ। हाँ, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैपिंग थ्योरी भी है, और ये जो थ्योरी है ये बेसिकली शोधकर्ताओं के द्वारा दिया गया, कई शोधकर्ता आज में आते हैं, एग्जैक्ट किसी एक पर्सन का नाम नहीं आता है, ठीक है, जिसे प्रस्ताव के रूप में रखा गया, बेसिकली प्रस्तावित किया गया, और ये था क्रॉस सिचुएशनल लर्निंग के पर आधारित था, 2012 में देखने को मिला था, बट वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा आप लोगों से, आप इसको यहीं तक ध्यान में रखें बस। बात करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, विदेश योगदान विनिमय संशोधन अधिनियम 2020 की जो 8वीं धारा है उसमें एक उपधारा एक है, उसमें कहा गया 50% शब्द को डैश हस्तांतरण किया है, मतलब किसको, 60% या 30% 25% या 20%। यहाँ जो दिए गए आंसर उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप सभी लोग बताएं जरा। 20% 30 ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा ये। विदेशी योगदान संशोधन कानून 2020 है आपके सामने, और इसी के अंतर्गत आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये आप सबके लिए, भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को जो है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, FCRA अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा यह क्रियान्वित हुआ, ये बात आप जानते हैं, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना
ये 2000 मैं 10 की बात कर रहा हूँ, 2020 में संशोधन के पार्ट में ही बात कर रहा हूँ अभी। फिर ये 2010 की बात और आगे बना कि गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति रहेगी। और इसी के अंतर्गत जब संशोधन हुआ तो क्या क्या संशोधन किया गया इस अधिनियम में, नंबर एक पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे। एक था विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध, विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध, यह संशोधन पहला नंबर पे। दूसरा संशोधन, विदेशी योगदान का हस्तांतरण, तीसरा संशोधन, पंजीकरण के लिए आधार, सर प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, मैं लिख रहा हूं, के लिए आधार। अब सुन लीजिए, पहले तीन सुन लीजिए फिर आगे बताता हूं। जो आपका विदेशी अंशदान स्वीकार करने का प्रतिबंध है ना, या संशोधन लोक सेवा, जो लोक सेवक, उन लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है, ये पहली पॉइंट। यह एक्ट जब संशोधन किया गया 2000, पहले नहीं था, पहले था ले सकते थे, अब नहीं। विदेशी अगर हम बात करते हैं योगदान का हस्तांतरण में, तो यह किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर भी रोक करता है, इसलिए ये भी आपका करेक्ट रहेगा। और पंजीकरण के लिए आधार जो बनाया गया कि पहचान दस्तावेज के रूप में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सभी पदाधिकारी निर्देश और प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किया गया था। तीन बातें थी। FCRA के खाते की बात होती है तो केवल भारतीय स्टेट बैंक ने दिल्ली की ऐसी शाखा में जहां FCRA खाते के रूप में बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया, वहां पर यह हो सकता है या खोला जा सकता है। बाकी इस खाते में विदेशी अंशदान के अलावा कोई धनराशि प्राप्त या जमा नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में प्रश्न पूछा गया, कहा गया प्रशासनिक उपयोग को सीमित करना, उपयोग को सीमित करना। अब बात को समझिएगा, इसको इसमें क्या बात थी, इसमें था कि गैर सरकारी संगठन प्रशासनिक उपयोग के लिए 50% तक 50% तक धन का उपयोग कर सकते थे। ये बात पहले 2010 की थी, लेकिन नए संशोधन में इस आयोग को 20% कर दिया है, जो ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। तो जो मतलब विदेशी अंशदान मिलेगा जिस बैंक में अकाउंट में, उसमें से 20% यूज कर सकते हैं ना एनजीओ वाले? हाँ बिल्कुल, यहाँ पहले एनजीओ वाले प्रशासनिक उपयोग के लिए 50% तक धन का उपयोग कर सकते थे, जो आप 20%, अब जो है इसी नए संशोधन में कर दिया गया कि भाई 20% करेंगे। पर सर जो अमाउंट रहेगा उसका क्या रहेगा रेस्ट ऑफ का 80% का? 80% जो रहेगा वो बेसिकली इस एक्ट के संबंध में है, जो एक्ट का उद्देश्य है, एक्ट का उद्देश्य किस परिपेक्ष में है, किस लिए बनाया गया है, जो यहाँ पे बनाया गया है कि प्रशासनिक कार्य रहेंगे, मतलब एडमिन हाँ, वाले जो कार्य रहेंगे उसमें 20% यूज होगा। बिल्कुल, जहाँ पे 80% अगर जो मेन उद्देश्य है एनजीओ का वो उसमें दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जो इसे अगर हम बात करें, जैसे कोई वैश्विक लेवल पे कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, हम उसे ऐसा थोड़ी एक वो कोई पर्टिकुलर अपने यहाँ लेके जाएंगे पैसे, जो पैसे आए हैं वो यूज में ही होंगे। हाँ, मतलब हाँ, के लिए यूज हाँ, जो जो उसका उद्देश्य रहेगा हाँ उस पे काम करेगा वो है ना, तो ये चीज़ रहेगी। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। इसका सही जवाब आप लोगों ने सही बताया है, ऑप्शन नंबर बी। बी है कि डी? डी होगा, हाँ डी, डी इज द राइट आंसर, 20%। डी करेक्ट। भारत में दंड न्यायिक प्रणाली किस पर निर्भर है? न्यायालय पर सर। न्यायालय बिल्कुल। भारत में जो न्याय दंड प्रणाली निर्भर है ना, वो पुलिस पर भी है, न्यायालय पे भी है, कारागार पर भी है, ठीक है? दंड न्याय प्रणाली न्यायालय पर निर्भर होती है। बिल्कुल, दंड देने का अधिकार भारत में दंड न्याय प्रणाली, बिल्कुल हाँ। अगर हम बात आपसे करें तो ये बेसिकली आपका, हालांकि भारत में विधि आयोग की सिफारिश या विभिन्न न्यायालयों के निर्णय और उसे विशेषकर अगर हम बात करें प्रयोजन कर्ता के रूप में या अन्य समिति की जो सिफारिशें थी उसके आधार पे, तो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संशोधन भी किया गया। जहाँ पे जब हम बात करते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में,
तो वहां बेसिकली आप लोगों ने केवल न्यायालय शब्द का नाम सुनते हैं। जी यहाँ पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। हाँ, सही। जब हम बात करते हैं कि वो किस पर निर्भर है, भारत की दंड न्याय प्रणाली, तो पुलिस पर भी निर्भर है, न्यायालय पर भी निर्भर है और कारागार पर भी निर्भर है। और आपको बता दूं, ये उद्देश्य बेसिकली, अगर जब आपको, आप भारत में जब आपराधिक न्याय प्रणाली को जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, हालांकि आप सबको मालूम होगा आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य, लोग तो जानते ही होंगे ये क्या है। ये बेसिकली अगर हम बात करें, आपराधिक घटनाओं को रोकता है, अपराधियों और दोषियों को दंडित करता है, अपराधियों और दोषियों को पुनर्वासित करता है, जो समाज में कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने की बात करता है, अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक टास्क करने पर उसको रोकता है ताकि वो कोई गलत काम ना करे, इसके परिप्रेक्ष्य में यह है। यही आपको मिलता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी कहते हैं आप लोग। हमारी जेलों में बंद कुल कैदियों में से 67.2% विचाराधीन कैदी हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहां पे आप सभी को करेक्ट करिए सभी ऑप्शन। विचारहीन और विचाराधीन, विचाराधीन कैदी होता है। हाँ, विचाराधीन कैदी होता है, विचाराधीन कैदी होता है। हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अभी विचार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विचाराधीन। लेकिन सर जहाँ तक है मुझे इसका आंसर न्यायालय ही लग रहा है, एक बार आप आयोग वाला और चेक कर लें। नहीं नहीं नहीं, नहीं, तो नहीं, बात हो रही सर। प्रणाली आ गया ना। हाँ, यहाँ पे सर ना आपका जो जवाब होगा, सही जवाब होगा तीनों। और यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आयोग ने भी ए बी सी को ही माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप थर्ड को ही लगाएं, है ना। और ये ऐसा नहीं कि 2020 में ही प्रश्न आया, रिपीटेड प्रश्न है। हाँ सर, ये रिपीट प्रश्न है और हर बार आयोग ने एबीसी को ही माना है ना। प्लीज, अब आपको ये अगर जानकारी ये हो गई है, 2022 में अगर 23 में ऐसा प्रश्न मिले तो आप ऐसा गलती ना करें, वरना आपके 2 नंबर जा सकते हैं आए हुए प्रश्न। अब आप सोचो ना, भारत में दंड प्रणाली है तो निर्भर किस पे करिए, सिंपल सी बात है, वो पुलिस भी है, कारागार भी है। ओके, हाँ ये देख लो ना, मिल तो गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, है ना। चलो आगे बात करते हैं, ये प्रश्न आप लोगों के साथ सही चला गया है एबीसी वाला, और आगे बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितना गया आप लोगों का बता दीजिए एक बार मुझे। 54। अच्छा बड़ा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, 54 ही आ रहा है। एक व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय, चाहे देखिए ये प्रश्न फैक्ट पर भी है और अप्लाइड के आधार पर भी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति बेसिकली प्रश्न में फैक्ट बनाने का प्रयास करता है, इस तरीके के प्रश्न, जिसकी पारिवारिक आय चाहे कुछ भी हो, अगर उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति हो तो उसकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर कर दी जाएगी। केवल प्रश्न है ईडब्ल्यूएस से संबंधित, और अगर जितने ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो कर जाएंगे प्रश्न सही। क्या बताना चाहेंगे? पहला ऑप्शन, क्या 5 एकड़ से या उससे ज्यादा खेती योग्य भूखंड हो? चार से कम में देखिए, बात को नहीं समझ रहे हैं आप लोग, आप ठीक है बात को, लेकिन समझिए, केवल यहाँ तक आपको तो केवल एक बात कही गई है जो आपको समझने की बात परिपेक्ष में बताया गया, कन्फ्यूज करने के परिपेक्ष में कहा गया केवल यहाँ से कि कोई भी संपत्ति हो तो उसकी पहचान होगी कैसे, पहचान की बात की गई है, परंतु पहचान किसके परिपेक्ष में है, ईडब्ल्यूएस के परिपेक्ष में है, और कह रहा है कि उससे बाहर कर दी जाएगी। बात ये सही है कि 5 एकड़ या उससे ज्यादा खेती योग्य भूमि खंड के परिपेक्ष में बिल्कुल है। फिर कहता कि 1000 स्क्वायर फुट या उससे ज्यादा क्षेत्रफल या आवासीय फ्लैट होंगे तो भी बिल्कुल। हाँ, फिर अगर हम बात करें अधिसूचित नगर पालिकाओं में, अगर मान लीजिए, देखो भाई यहाँ बात की गई आवासीय क्षेत्र की बात, तो ठीक था आवासीय के, देखो एक बात को कई फील्डों से रिलेट करके बताने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अधिसूचित नगर पालिका को रिलेट कर लिया, और फिर कहा कि यार्ड उससे ज़्यादा की आवासीय भूखंड हो, बिल्कुल सही है, और अधिसूचित नगर पालिकाओं के अतिरिक्त कहीं और 200 स्क्वायर यार्ड में आवासीय भूखंड हो, बिल्कुल ये भी सही है। तो बताइए बच्चे क्या करते हैं, यही हो जाते हैं दिक्कत, यही कर जाते हैं कन्फ्यूज। अच्छा यार 200 तो नहीं होगा, 100 अगर है तो 200 नहीं होगा, बात नहीं पड़ते, केवल नंबर देखना शुरू करते हैं, क्या ये था वो, ये थी कि बात ये नहीं थी, नंबर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करेक्ट जवाब सभी आपका करेक्ट माना जाएगा, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर कर दिए जाएंगे, ये सारी बातें सत्य है।
ए बी सी डी कहाँ पे है? सी में है, सी पर। हाँ, तो ए बी सी। एक बार ही बता दीजिए, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जी, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड करा कि यहाँ पे अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा की आवासीय भूखंड हो। अब जिनके पास, मान लीजिए अगर हम बात करें 100 वर्ग गज, या अधिसूचित नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें, अगर इतनी भूमि जिसके पास होगी वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएगा ही नहीं, वो उसके अंतर्गत वो आएगा ही नहीं। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, क्या बोल, जो उस कैटेगरी से बाहर हो। हाँ, क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन तो बाहर। यहाँ पे देखो क्या आपसे कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय, एक मिनट सर, एक मिनट मैं इनको समझा दूँ, फिर आपके विचारों को लूंगा। यह व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय चाहे कुछ भी हो, अब कुछ भी होने का मतलब जो नीचे का स्टेटमेंट हो, इसका मतलब यह है, अगर उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति अगर है, तो आप बताओ पहचान कैसे करोगे कि ई डब्ल्यू एस वर्ग से वो बाहर कर दी जाएगी। आप बताओ, अगर आपके पास इतनी सारे पर्याप्त रहेंगे तो ई डब्ल्यू एस कहलाएंगे? भाई इतनी सारी जमीन है, इतने सारे पैसे आपके पास है, तो आप कैसे कहलाओगे उसके कि आप ई डब्ल्यू एस के? भाई आप, सिंपल सी बात है, ई डब्ल्यू एस वाले जो बच्चे होंगे ना, या आप लोग खुद सोचिए, अगर जनरल का कोई है या ओबीसी की या एससी का, अपने आप को रख के सोच लीजिए ना, वहाँ पे अगर जिसने पास इतना 5 एकड़ जमीन होगी, ये इतना 5 एकड़ में 3.94 लगभग 4 बीघा जमीन होती है, लगभग 4 बीघा जमीन होती है, बीघा समझते हो, और एक एक बीघा में जो होती है 20 बीसवा जमीन होती है। अब सोचो कि 5 एकड़ के पास अगर जमीन होगी तो आप कैसे ईडब्ल्यूएस का लाएंगे? भाई हो ही नहीं सकता। आप ना ईडब्ल्यूएस का, अगर मैं आपसे बात करूं, जो सर्टिफिकेट बनवाया जाता है उसके क्या योग्यताएं हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे ना, गूगल पे भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है ना, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, है ना, समझ में आता आ रही कि नहीं आ रही है? बाकी यहां आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो ई डब्ल्यू एस के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, और ई डब्ल्यू एस का जो आप जब भी आप कोई दस्तावेज बनवाने जाएंगे तो पासपोर्ट साइज का आकार की आपकी फ़ोटो लगेगी, पहचान, आधार कार्ड लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, है ना, ये सारी चीज़ लगती है। और इसमें देखो बेसिकली अगर 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए आपके पास, तब आपका ई डब्ल्यू एस बनेगा। 8 लाख से कम आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए तब आपका बनेगा ई डब्ल्यू एस। और जिस राज्य में आप रह रहे हैं आप वहां का निवासी हो, बात यही है ना, बोलिए, बात तो यही है ना। हाँ, तो ये है, और ई डब्ल्यू एस का पूरा नाम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना, और कितने परसेंट का इसमें आरक्षण है? 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10% का, वेरी गुड। तो ये बात है बस, और कुछ नहीं। आप समझ में तो आ गया होगा मैडम आपको शायद? Yes, हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और इसमें गलती मत करिएगा, कथन आपके सामने है। ओके, कौन है, अनम्यूट है? राजीव जी। राजीव जी, राजीव सर एक बार म्यूट हो जाइए। जी सर, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, चले आप देखिए एक बार यहाँ पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत वाचिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में अपमान, उपहास, अवमानना एवं तमोच्चारण सम्मिलित करते हैं। बड़ा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, बट मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार इंग्लिश भी देख ले, इंग्लिश भी देख ले। देखिए वर्बल, आप देखिए समझ रहे होंगे, वर्बल, इकोनॉमिकल, अब्यूज जैसे शब्दों को बड़ा ईजी, जब कभी हिंदी टफ आए ना, इंग्लिश ज़रूर देख लिया करें आप लोग, ईजिली समझ में आ जाएगा आपको इस स्टेटमेंट को लेकर, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाचिक भावनात्मक दुर्व्यवहार में अपमान और उपहास और अवमानना और तमोच्चारण सम्मिलित करता है, यस या नो? यस सर, यस सर, बिल्कुल करेक्ट जवाब।
फिर अगर मैं बात करूं कि बच्चा नहीं हो, देखो ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, बच्चा नहीं होना व पुत्र नहीं होने के संबंध में किया गया अपमान या उपहास कानून के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, हैं? दंडनीय है बिल्कुल जी सर, दंडनीय है। तो यहां ये बात गलत हो गई है ना, और ये बात सत्य हो गई। हाँ तो आप हाँ, कथन एक सत्य है, कथन दूसरा असत्य है, तो मैं ऑप्शन नंबर कौन सा चुनाव करूं? सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। हाँ ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल था। यही है कि आप जब प्रश्न को, मैं बताऊं, प्रश्न को ना रोक के पढ़िए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ठहर के पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तब उसको समझ में आएगा। एक आप दिखाइए मत कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, फिर तो गड़बड़ हो जाता है। आराम से पढ़िए और रुक के पढ़िए, तब समझ में आता है। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार दर्शाना है। देखिए अच्छा सवाल है आपके सामने, पहला कहता है आपसे कि पहला पॉइंट अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन। मैं आपको बता दूं इसी के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता उन्मूलन जो एक्ट आया था, कब आया था? 1955। हाँ, जब बात आती है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लेकर, तब क्या जवाब? 1955 होगा कि 1976 होगा, संशोधन जो किया गया नाम बदल कर? हाँ 55, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद कहता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम 1989। तो अब आपसे मैं अगर कहूँ क्रम, तो भाई वही लगा हुआ है और ये बी सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसने कहा था कालक्रम के रूप में, ए बी सी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। अब इनका देखिए प्रश्न गलत आ गया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गिवन आंसर को ना देखें, फैक्ट को ध्यान रखें, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, किसी गैर लाभकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, अच्छा आपको मालूम होगा ये तो, है ना, जो ये देखो ये ध्यान रखें, ये जानते 1956 वाला है, परंतु ये संशोधन का पाठ है यहाँ पर, 2013 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। जी कौन सा? 25 धारा की बात करते हैं आप लोग, सी एस कल, समाज कल्याण, क्या नाम था उसका, सी डब्ल्यू समाज कल्याण, वेलफेयर समाज कल्याण, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा अभी, समाज कल्याण बोर्ड का, हाँ यस, नहीं 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 यस सेंट्रल था ना, सी एस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सी ये था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1953 में, और इसकी जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो ये हुआ था धारा 25 के तहत 1969 में, 1969 में ये रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन केवल यही कंपनी की बात की गई थी। अब यहाँ प्रश्न में ये नहीं लिखा, ये कहा कि किसी गैर लाभकारी कंपनी की बात कर रहा था ये, तो धारा 8 होगी, धारा 8 होगी। क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन बताइए एक बार जब मुझे, 58 है नहीं होगा मैम, ये 57 ही होगा, है ना। इसका सही जवाब जो जाएगा, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो करंट जवाब आपका यही है, आयोग ने यही माना है, ठीक है, आयोग ने यही माना है, डी है ही यही फैक्ट, आप उस पर आप चाहो तो देख सकते हैं गूगलोग्राफी करके, आपको यही मिलेगा। 25 तो आपको मैंने बता दिया समाज कल्याण बोर्ड है, उसके तहत है, इसलिए 25 आप ना लगाएं वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति के आधार पर बताएं जरा, भावनाएं, स्वप्न, व्यवहार, संज्ञान, नीचे दिए गए विकल्पों का सही जोड़ा आप बनाएं, सही चुनाव करें। सर सभी आ जाएगी लगभग, लगभग आप कह रहे हैं सभी आ जाएगी, लेकिन मैं आपसे बात करूं सभी यहां पे, हाँ अगर मैं आपसे बात करूं, स्वप्न नहीं आएगा, हाँ स्वप्न, अच्छा बिल्कुल दिखाएंगे सर,
हाँ देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर आर फाउंडेशन ऑफ एटीट्यूड, एक इमोशन बिहेवियर कॉग्निटिव, बिल्कुल अभिवृत्ति का जो आधार होता है, जो एटीट्यूड का आधार है, जो बेस एटीट्यूड का, भावनाएं प्रकट होती हैं, व्यवहार प्रकट होता है, संज्ञान प्रकट होते हैं, कॉग्निटिव प्रकट होते हैं। कॉग्निटिव बेसिकली इमोशनल शब्द को रिलेट करता है, कभी कभी ड्रीम्स वगैरह नहीं आती हैं। और ड्रीम शब्द जो आता है वो किस विद्वान का है सर? ये उसका है, फ्रायड का। फ्रायड का। फ्री एसोसिएशन किसका है? सिगमंड फ्रायड। फ्री एसोसिएशन भी इसी का है, मुक्त सहचर्य। ये जो संज्ञानात्मक आपने बोला संज्ञा, ये इमोशनल होता है, तो भावनाएं भी तो सेम ही हो जाएगा ना सर? वही चीजें हैं, इमोशनल भी वही 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 रिप्रेजेंट किया गया, तो यही संज्ञान को भी वही रिप्रेजेंट करता है ना। संज्ञान कॉग्निटिव है, भावनाएं इमोशनल शब्द है ना, तो कॉग्निटिव भी कभी कभी इमोशनल को रिलेट करता है। तो ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरे के पूरक है। और बाकी बिहेवियर जो एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ड्रीम्स नहीं करेगा, है ना। तो आपका ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पर सही माना जाएगा ए सी डी। ए सी डी किस ऑप्शन को रिलेट कर रहा है? फोर्थ में। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अभी 60 कंप्लीट कर लेते हैं तब तक, है ना। जरा मुझे बताइए एक बार, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समूह कार्य के चरणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। जरा इंग्लिश दिखा दीजिए सर। ओके, सामाजिक समूह कार्य के चरण है आपके सामने, ये रहा देखो इंग्लिश वर्ड। अब आप देखते हैं सर, योजना सबसे पहले आएगी सर, पहले प्लानिंग हो जाएगी सर, पहले इंक्रे एक्सप्लोरेशन आएगा जी सर, पहले पे प्लानिंग, सेकंड पे एक्सप्लोरेशन। नहीं चलो अब मैं बताता हूँ, पहले पे आपका आएगा, अगर हम बात करें ओरिएंटेशन आता है ना, मैं आपको बता दूं यही क्रम लगा हुआ है। पहले आपका विनियोजन यानी योजन, फिर उसके बाद खोज, फिर योजनाएं उसके संबंध में, फिर हस्तक्षेप, फिर मूल्यांकन। जो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जाएगा यहां पर। हाँ, ये आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट जाएगा। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोशल ग्रुप वर्क का सिक्वेंस ऑर्डर यानी उसकी स्टेजेस की बात कर रहा है। किसका टकमैन को रिलेट कर रहा है? बिल्कुल जी, तो पहले नहीं, टकमैन का तो फॉर्मिंग है, सॉरी कैलिंग को कर रहा है ये सर। कैलिंग बेसिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनकी बात करें, यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो इन बात की जा रही है ये कॉमन बनाया गया है, ये किसी को वो रिलेट नहीं किया गया है। हाँ ये किसी को, हाँ हाँ ये किसी को रिलेट नहीं करा गया है, ठीक है। स्टेज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क का, है ना, और ये किसी को रिलेट नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और जो क्रम यहाँ पे लिखा गया है आपके कॉपी में, पेपर में दिखाया जो जा रहा है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। और इसको जी 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 ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में है। एक लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार डैश केंद्र में थे। अच्छा ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, मैंने आपको साथ बताया भी है इसको, पीढ़ियों के बारे में सर। तीसरे में होंगे सर, सेकंड का जन्म तीसरी। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार केंद्र में थे, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो दूसरी पीढ़ी है मानवाधिकार की, लाल पीढ़ी के नाम से जानी जाती है, जो तीसरी पीढ़ी है वो आपकी हरी पीढ़ी के नाम से जानी जाती है, अनौपचारिकता के रूप में जानी जाती है। जो आपकी पहली पीढ़ी है वो किस रूप में जानी जाती है? नीली 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 पीढ़ी के नाम में जानी जाती है, वो अधिकार है आपका, है ना। तो ये जो है दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार, है ना, से संबंधित ये सवाल हैं आप लोगों के सामने, है ना। उन्हीं जो पीढ़ियां हैं मानवाधिकार की, उन्हीं पीढ़ियों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले कानूनविद थे, उनका नाम था कैरल वासा था, और उन्होंने ही मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियों का विभाजन किया था,
कितनी पीढ़ियों का? तीन पीढ़ियों का। अब आपको मैं बताऊंगा, आप आसानी से समझ भी जाएंगे। जो पहली पीढ़ी थी नीला पीढ़ी के नाम से जानी गई, जहां स्वतंत्रता राजनीति शब्द को रिप्रेजेंट किया गया था। क्या यहां पे स्वतंत्रता और राजनीति पीढ़ी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए स्वतंत्रता राजनीति पहली पीढ़ी है, तो इसलिए आपका ये है नहीं। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से दूसरी पीढ़ी के बारे में, दूसरी पीढ़ी समानता से संबंधित थी, रोजगार से संबंधित थी, न्याय संगत से संबंधित थी, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित थी, बेरोजगार भत्ते से थी और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जैसे शब्दों से संबंधित थी। आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय करार के एक जो है सन्निहित करने की बात, अनुच्छेद 22 से लेकर 28 तक में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर बात किया गया था दूसरी पीढ़ी में, और जो आपका रिप्रेजेंट करता है ये, जिसको हम लाल अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तीसरी पीढ़ी में क्या शब्द आते हैं? मैंने एक आप लोगों को लिखवाया भी है जी, हरी पीढ़ी या हरे अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आत्मनिर्णय का अधिकार आता है, आपको बता दूं स्वस्थ वातावरण का अधिकार आता है और संचार का आता है, आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार आता है। लेकिन ये सांस्कृतिक अधिकार केंद्र में थे, है ना, जो आपका मैंने दूसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आर्थिक और सामाजिक विकास के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी की बात करता है। ये आपकी तीसरी पीढ़ी है जो हरी पीढ़ी के नाम से। सांस्कृतिक की वजह से हम सेकंड पीढ़ी में लगा देंगे, आर्थिक और सामाजिक भी तो थर्ड में आ रहे हैं। देखिए बेसिकली सांस्कृतिक ही मुख्य भूमिका नहीं थी यहाँ पे, बेसिकली जो भूमिका थी तीसरी पीढ़ी में स्टॉकहोम था। जो स्टॉकहोम था 1972 वाला घोषणा जो किया गया था पर्यावरण विकास पर, एक 1992 में रियो की घोषणा जो की, उसका गोल तीसरी पीढ़ी में आता है। इसलिए हाँ वो पर्यावरण से रिलेट, तो आपको बताओ वो पर्यावरण को रिलेट करता थोड़ा सा, वो शब्द पर्यावरण को रिलेट करते तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जो कि दूसरा पीढ़ी जो थी आपकी वो मानवाधिकार से समानता के संबंध में थी, जहाँ आर्थिक सामाजिक और प्रकृति में सांस्कृतिक अधिकारों से रिलेट करती थी। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी का ही चुनाव करना चाहिए और बी ही करेक्ट जवाब है आपका। भाई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सामाजिक अधिकारों से परे है, नागरिक और सामाजिक अधिकारों से परे है आपकी तीसरी पीढ़ी, है ना, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात होती है तीसरी पीढ़ी में, आपका दूसरा पीढ़ी बिल्कुल नहीं जिक्र करता इसके बारे में, केवल तीसरी पीढ़ी जिक्र करती है ये सब, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी जो बचे हुए प्रश्न है ना, अभी हम लोग 8:30 पर जो है आगे बढ़ेंगे। आगे का चौथी पीढ़ी का भी एक बार बता दीजिए। चौथी पीढ़ी है ही नहीं, चौथी पीढ़ी नहीं है। हाँ चौथी पीढ़ी है नहीं, ठीक है, चौथी पीढ़ी नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए बस करो इतना ही आप सभी लोग, बाकी अभी फिर हम लोग जो है इसको मैं वीडियो जो है अपलोड कर